नमस्कार, महुआ खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा जगत में एक के बाद एक बड़े ऐसे फैसले हो रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। उन फैसलों का असर हो रहा है, उन फैसलों का असर शिक्षा विभाग पे, शिक्षकों पे और तमाम व्यवस्थाओं पे हो रहा है। अभी एक लेटर निकला शिक्षा विभाग की तरफ से, अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से एक लेटर जारी हुआ गवर्नर हाउस के लिए, जिसमें एक जो है दो पन्नों के इस लेटर में काफी कुछ कहा गया। राज्यपाल के अधिकार, जो राज्यपाल जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, उनके अधिकारों पे सवाल खड़े किए गए। उन्हें ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी ये कहा गया कि वो कुलाधिपति जो होते हैं वो विश्वविद्यालय के अधिकारी होते हैं। राज्यपाल कुलाधिपति क्यों हस्तक्षेप करते हैं विश्वविद्यालयों में, जबकि शिक्षा विभाग के तमाम काम को देखने के लिए मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है। बहुत सारी बातें उसमें कही गई, लेकिन साथ ही साथ स्कूली एजुकेशन में भी काफी कुछ हो रहा है। लगातार लेटर वायरल हो रहे हैं, एक के बाद एक लेटर ऐसे निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को भ्रम में डाल रहे हैं। आज भी एक लेटर वायरल हो रहा है कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान जो क्लासेस चलेंगी, जो शिक्षक आएंगे क्लासेस चलेंगी, मिड डे मील जो है वो नहीं होगा। और ये लेटर आया है मध्यान्ह भोजन की तरफ, एमडीएम के डायरेक्टर की तरफ से। अब शिक्षक, तमाम जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, वो इस भ्रम में हैं, वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेटर सही है या फिर यह फेक है। तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमने आज शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में कन्हैया बहादुर सिन्हा जी को रखा है, जो फुटाब से है। वहीं पे वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से आनंद मिश्रा जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम लोगों की बातचीत डिबेट में होती रही है, लगातार इस बात को लेकर एक क्वेश्चन होता रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है। आपने भी उस चिट्ठी को देखा जो आईएएस के पाठक ने लिखा है राज्यपाल को, और उस लेटर में काफी कुछ कहा गया है, राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दी गई है। पूर्व में भी मैं अपने डिबेट में कह चुका हूं, चाहे वो नेशनल चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, कि भारी सभा में पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि आपके एक नौकर शाह के द्वारा मुझसे पत्राचार किया जाता है, क्या यह संवैधानिक है? आप इस पर निर्णय लेंगे या अंकुश लगाएंगे? मुख्यमंत्री ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया और भारी मंत्री को संबोधन करने का समय आया तो इस वक्तव्य, राज्यपाल महोदय के इस वक्तव्य पर एक भी शब्द नहीं कहा और आज वह नासूर का रूप ले लिया है। तमाम शिक्षा विभाग और तमाम महकमे सख्ते में हैं कि आखिर इस नौकर शाह को कौन सा शक्ति प्रदत्त है। जैसे भस्मासुर को शक्ति प्रदत्त हो गई थी ना, जब उसने शंकर भगवान पर ही हाथ फेरने का साहस किया, तो आम आदमी भी जो है, आम शिक्षक तमाम विश्वविद्यालय स्तर से लेके प्राथमिक स्तर तक के शिक्षक एक नौकर शाह ही नहीं बल्कि तमाम शिक्षा विभाग के अदना पदाधिकारी तक, जिसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के जितने सलाहकार लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। कल ही मैंने कहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो भारतीय पुलिस सेवा से हैं और अभी माननीय शिक्षा मंत्री हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर मुख्य सचिव हैं, तो ऐसे
फर्जीवाड़ा और ऐसे अवकाश और उनके कर्तव्यों का पालन करने वाले लोगों पर तथाकथित आदेशों और उसमें भी फर्जीवाड़ा, इसका संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। और जो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं उस पर भी आप दबाव देते हैं, उनको तनाव में रख रहे हैं। चलिए जी, मैं इस इश्यू पर आपके पास आता हूं। और एक बार हमारे साथ कुटाल से कन्हैया बहादुर सिन्हा जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कन्हैया जी, आईएएस के पाठक ने जिस तरह से राजभवन को और राज्यपाल को पत्र लिखा, अधिकारों को चुनौती दी, बहुत सारी बातें कही गई कि आपको क्या अधिकार है शिक्षा विभाग के कामकाज में दखल देने का जब मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसका असर जिस तरह से एक शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तलवारें एक तरह से खींची हुई हैं, इसका असर जो है विश्वविद्यालय पे पड़ रहा है? पूरी तरह पड़ रहा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है। और सारी प्रगति जो है रुकी हुई है। आज कुलपति को बुलाते हैं, अब कुलपति नहीं जाते हैं तो उसके एवज में उन्होंने विश्वविद्यालय के सारे बैंक खातों और पीएफ अकाउंट सारा उन्होंने बंद कर दिया है आज 2-3 महीने से। और किसी को न वेतन मिल रहा है, न किसी को पेंशन मिल रहा है। और समाज में इसका जो असर है वो अभी आगे के समय में नजर आएगा, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे जो दुखद क्या है कि जो पत्र उन्होंने लिखा है उसकी शब्दावली हम बता नहीं सकते हैं यहाँ पर। इतना अपमानजनक शब्द का जो उपयोग किया है उन्होंने राज्यपाल के लिए, वो कोई भी सरकार का आदमी या कोई भी राजनेता इसको कैसे टॉलरेट कर रहा है? और हम लोग यही समझते हैं, अब लोग भी कह रहे हैं पब्लिक में कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के कोई अधिकारी इतनी साहस नहीं दिखा सकता है कि वो राज्यपाल को पत्र लिखे। आप जानते हैं 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर कम चांसलर जो है उसको कोई भी कार्य करने के लिए एज ए चांसलर राज्य सरकार के कैबिनेट के अनुमोदन की जरूरत, सलाह की जरूरत नहीं है। और यही यही चीज सरकारिया कमीशन और पुंछ कमीशन उसने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मंतव्य है उससे हम सहमत हैं, लेकिन रेगुलर जो है मंत्री वगैरह से बातचीत भी होती रहनी चाहिए। तो एक तरफ वो क्या कहते हैं कि अधिकारी है, अधिकारी नहीं, वो सर्वोच्च अधिकारी है कुलाधिपति, जो कुलपति से लेकर के और सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, निरीक्षण करता है। वो किसी भी प्रशासनिक और एकेडमिक इश्यूज पर विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकता है। राज्य ये कहते हैं कि हम एक्ट एंड स्टैट्यूट के रखवाले हैं, नहीं, एक्ट एंड स्टैट्यूट तो इनको दायित्व इनके ऊपर दे रहा है, दायित्व दे रहा है उनको कि आपको विश्वविद्यालय का को आपको फंड देना है, आप उस फंड का जांच भी कर सकते हैं, आप ऑडिट करा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑडिट, कोई भी जांच, ये रिपोर्ट जो आप तैयार करते हैं वो यूनिवर्सिटी को भेजना होगा और यूनिवर्सिटी का मंतव्य लेने के बाद ही आप उसको उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह जो, और दूसरी चीज, इनको परीक्षा के संबंध में धारा जो 30 है उसके अंतर्गत इनको गजट नोटिफिकेशन करने का अधिकार है, लेकिन गजट नोटिफिकेशन नहीं करके इस सबको बुला रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल हमसे, मैं अभी शिक्षा मंत्री जी से मिला था, मैं भी जैसे कि शैलेंद्र बाबू ने कहा कि वो मिले थे तो हम भी मिले थे, 4 तारीख को हम लोग मिले थे और इस पर बहुत व्यापक डिस्कशन हुआ। उन्होंने हम लोगों से कहा कि यह हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है और इसको मुझे तुरंत करना है, अभी मैं भागलपुर जा रहा हूं, वहां से लौटूंगा तो सीधे इस पर जो कार्रवाई करूंगा। लेकिन अफसोस है कि उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई और उनके आने के बाद भी अब इस तरह की चिट्ठी जा रही है। अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब ये लोग कब रिएक्ट करेंगे हमको ये बात समझ में नहीं आती है। ऐसे अधिकारी को एक शिक्षा विभाग में 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतने बड़े अधिकारी
और इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर आक्षेप करता हो, उसके अधिकारों को चुनौती देता हो। और बड़ी बात यही है कन्हैया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक अधिकारी संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं और वहां पे नीचे की स्थिति ये है कि आदेश निकल रहे हैं एक के बाद एक, फर्जी आदेश निकल रहे हैं। स्कूली एजुकेशन में आप देखिए रोज ऐसे आदेश निकल रहे हैं जिन आदेशों का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने कल डिबेट किया था, उसमें भी इस बात पे फर्जी आदेशों को लेकर चर्चा की थी। आज फिर एक आदेश है जो मिड डे मील है उसे लेकर, गर्मियों की छुट्टी में क्लासेस चलेंगे, मिड डे मील चलेगा। और लेकिन अब एक आया है डायरेक्टर की तरफ से एक लेटर की मिड डे मील नहीं होगा, ये आदेश फर्जी है, ये एक क्लेरिफिकेशन है। लेकिन सवाल यह है कि ये आदेश सही है कि ये आदेश भी फर्जी है, ये कौन तय करेगा? आनंद मिश्रा जी, आप लोग ग्राउंड लेवल पे हैं, स्कूलों को आप लोग संचालित करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आप लोगों को स्कूल जाना है, क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी है, मिड डे मील भी ऑर्गेनाइज करना है और इस तरह के आदेश होता है, कैसे काम करेंगे आप? देखिए दीपक जी, शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ गया है कि शिक्षकों को अधिक से अधिक हम कैसे प्रताड़ित करें, और शिक्षकों को प्रताड़ित करने से करते वो अब बच्चों को प्रताड़ित करने की ओर अग्रसर हो गए हैं। बच्चों को उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों से दूर रखने का, महरूम रखने का एक बड़ी साजिश प्रतीत होती है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से छुट्टियों में कटौती की गई है बार बार, चाहे वो पिछले दशहरा में छुट्टी की कटौती की गई हो, रक्षाबंधन में कटौती की गई हो, इवन छठ पूजा में भी लोगों की, बीपीएससी वाले लोगों की बहाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, विद्यालय खोल करके सभी प्रधानाध्यापकों को उनकी ज्वाइनिंग करवाई गई, यानी छठ पूजा में भी विद्यालय खुला हुआ था। अब कह सकते हैं कि इस बार जो छुट्टियों का जो नया कैलेंडर जारी हुआ उसमें गर्मी की छुट्टी को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार रामनवमी में छुट्टी को समाप्त कर दिया गया है, और रामनवमी की छुट्टी जो कि भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है कह सकते हैं, अभी जो वर्तमान में जो सत्ताधारी है इनके लिए नारा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाना है, राम के लाने वालों के शासन चल रहा है बिहार में, और रामनवमी की छुट्टी समाप्त कर दी गई है। सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, गर्मी की छुट्टी में जिस तरह बच्चे आएंगे, पठन पाठन करेंगे, MDM का संचालन होगा और विद्यालय में आकर को पूरा पढ़ाई होगी, यानी विद्यालय खुला हुआ है, नाम रहेगा कि गर्मी का छुट्टी है बच्चों का। ये पता नहीं कौन सा सिगुफा, कौन सा नशा, ये लोग सस्ता वाला नशा करते हैं, क्या नशा करते हैं, इस तरह की बातें। अब फर्जी शिक्षक, फर्जी जो पत्र आ रहे हैं, जिस तरह फर्जी शिक्षकों को जमीन फोड़ करके बिहार सरकार ने निकाल दिया कि इतने फर्जी शिक्षक है इनको कार्रवाई कर देंगे, तो फर्जी पत्र वायरल करने वालों का IP एड्रेस क्या बिहार सरकार को नहीं मिल रहा है क्या? बिहार सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है? मुझे तो लगता है कि ये अधिकारी इस तरह का भ्रम जाल फैलवाते हैं, खुद पहले पत्र जारी करते हैं, बाद में उसको फर्जी घोषित करवाते हैं। अगर इन लोगों में थोड़ी भी सच्चाई है, कहां से वायरल हो रहा है और जिस तरीके का पत्र जारी, भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जा रही है शिक्षकों के बीच में, समाज के बीच में, ये एक गलत दुष्प्रचार है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के इसकी जांच करके कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। लोगों को दिग्भ्रमित करके आप क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं? सोमवार से गर्मी का छुट्टी हो रहा है, आज बच्चों को क्या मैसेज दिया जाए विद्यालयों में कि उनको कितने बजे आना है, बच्चों को क्या कहा जाए? पत्र भ्रमित कर रहा है, शिक्षक प्रधानाध्यापक नोटिस निकालने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें क्या मैसेज देना है, बच्चों को कब बुलाएं, कितना देर तक रहेंगे, टीचर को कब बुलाना है, ये कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हो रहा है। यानी बच्चे, कल रविवार का छुट्टी रहेगा तो सोमवार के दिन कितने बजे बच्चे आएंगे, कितने बजे शिक्षक आएंगे, इसकी सूचना कैसे नोटिस जारी किया जाए विद्यालयों में? ये वहां पोह की जो स्थिति बना दी गई है कि शिक्षक करे भी तो भी दोषी, ना करे तो भी दोषी, इस तरह के फर्जीवाड़े पत्र के द्वारा। मुझे तो लगता है कि फर्जी शिक्षक कहते कहते सरकार ने फर्जी विभाग घोषित करवा देने पर तुरंत ले लिया है कि इस डिपार्टमेंट में जो भी काम होगा सिर्फ फर्जीवाड़े के साथ ही होगा। आपने छुट्टियों की चर्चा की और छुट्टियों के कैलेंडर, शैलेंद्र शर्मा जी, कई बार छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर आपसे भी बातचीत हुई है और तमाम शिक्षक प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई है। जब विभाग छुट्टियों का कैलेंडर जारी करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका गजट नोटिफिकेशन होता है, लेकिन उसके बाद उन छुट्टियों में संशोधन हुआ है, तो क्या इसकी प्रॉपर जानकारी CM तक, राजभवन तक देने का प्रावधान है? जितनी मेरे को जानकारी है आप उसे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन क्या ये जानकारी दी गई है? क्योंकि मुझे जितनी जानकारी मिली है कि राजभवन ने शिक्षा विभाग से पूरे छुट्टियों का डिटेल्स मांगा है।
बिल्कुल दीपक जी, आप छुट्टियों का लिस्ट देखेंगे सरकारी छुट्टियों का, तो सबसे ऊपर महामहिम राज्यपाल का नाम होता है और पद, उसके बाद संबंधित विभाग के मुख्य सचिव सबका नाम होता है, और बिल्कुल सारे लोगों की सहमति और उनके आदेश के तहत निर्गत होता, और इसमें किसी एक व्यक्ति को दोषी करना बिल्कुल यह विधि सम्मत बातें हैं, और विधि विभाग के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा और मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर राजभवन तक की सहमति होती है, और जब इसकी पुष्टि हो जाती है तो पहले उसको संपुष्ट करा लिया जाता है, और वहां से जब वो स्वीकृत होता है इसके बाद ही छपाई होती है। यदि इसमें संशोधन की बातें होती है तो उसमें खंडिकाएं, विभिन्न खंडिकाएं नीचे उल्लिखित होती है, और विशेष परिस्थिति में उच्च पदाधिकारियों की भी और मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन से भी सलाह ली जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। और जहां संविधान के दायरे में अवकाश तालिका बनती है, समय सारणी का निर्धारण होता है, ऐसी स्थिति में पुनः संशोधन करना यह तो मनमाना रवैया है, असंवैधानिक है, और सारे तमाम मंत्रिमंडल इस लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है, और माननीय उच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए और राज्यपाल महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर मेरे द्वारा स्वीकृत, चाहे विश्वविद्यालय स्तर का हो या प्राथमिक स्तर तक का शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग, उसमें बिना सहमति के अवकाशों का या किसी भी प्रकार के नियमित कार्यों का संशोधन करना और सूचना प्रेषित नहीं करना, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों को दंडित करना चाहिए, प्रातःकालीन और ग्रीष्मावकाश और समय अवधि मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन में। शैलेंद्र जी तो माने कि जिस तरह से जितनी जानकारी है कि राजभवन ने छुट्टियों की लिस्ट मांगी है विभाग से, अगर ऐसा है, राजभवन ने अगर मांगा है और संशोधन है उसका, अगर राजभवन से उसकी पुष्टि नहीं हुई, उसे जानकारी नहीं हुई, तो एक बार फिर टकराव की नौबत आएगी छुट्टियों के इशू। टकराव की नौबत तो उसी समय हो गई जब महामहिम राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल में डिक्लेयर कर दिया, और आज भी टकराव का सारा समाज देख रहा है, सारे प्रगतिशील लोग देख रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी अवगत हो रहे हैं कि क्या एक नौकरशाह एक राज्य संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति से पत्राचार कर रहा है, और दोनों जगह संविधान के विधि विभाग हैं, दोनों जगह विधि सम्मत बातें होती होगी। अगर केसरी के पाठक जी अगर कोई मांग कर रहे हैं तो जरूर उनके संवैधानिक दायरे में होगा, और जहां तक वित्तीय भार का, वित्तीय विसंगति का मामला है या वित्तीय भार का मामला है, तो विश्वविद्यालयों से मांगने का अधिकार विभाग को है। अगर उसमें हस्तक्षेप अगर कुलपति करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है, लेकिन राज्यपाल करते हैं तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल को विशेषाधिकार है। एक असमंजस की स्थिति है कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, विभाग में या विश्वविद्यालयों में जो आर्थिक प्रबंधन है वो आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, जबकि तमाम जितने भी उसके कैलेंडर है, तमाम शिक्षा की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो उसके कुलाधिपति जो है वो राजभवन और राज्यपाल होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब विश्वविद्यालय क्या करे, वो दो पार्टों में हो गए, एक तरफ शिक्षा विभाग, एक तरफ राजभवन, एक तरफ वो कहते हैं कि आप मीटिंग में मत जाइए, एक कहते हैं कि मीटिंग में आपको आना पड़ेगा। ऐसे में नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के तमाम वो इस समय बेहद जो है मुश्किल में है? मुझसे कहा जा रहा है? जी जी कन्हैया जी, आप ही से ये सवाल है। दीपक जी मुझे जवाब देना है। जी जी आप ही को देना। जी जी देखा जाए,
वित्तीय जो मामला है वो सरकार के हाथ में, और यह भी तय है कि वित्तीय प्रबंधन के नाम पर आप जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उस पर राज्यपाल कभी भी, कुलाधिपति कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते। आप ऑडिट, अभी ऑडिट चल रहा है, उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को भेजा है, तीन तीन आदमी का ऑडिट कमेटी, ऑडिट चल रहा है, कहां उसको राज्यपाल ने उस पर रोक लगाया है। तो जो इनका अधिकार है, इनका फाइनेंशियल पावर है सेक्शन 35 में, सेक्शन 45 टू 48 तक जो इनका पावर है, बजट बनाने का पावर है, बजट पास करने का पावर है, वो सब उसमें तो कोई कभी इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन आप इसके आधार पर कि हम फाइनेंशियल, चूंकि हम फाइनेंस करते हैं इसलिए हम विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करेंगे, इसमें मैं एक चीज बता दूं, जब विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके एक सलाहकार थे, शिक्षा सलाहकार, उन्होंने कहा कि सरकारों को यह नहीं समझना चाहिए कि हम फंड देते हैं यूनिवर्सिटीज को तो हम यूनिवर्सिटीज को अपने क्लच में रखेंगे, यूनिवर्सिटीज को जितनी स्वायत्तता दी जाएगी, जितनी उनको स्वतंत्रता दी जाएगी अपने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में, उतना ही उच्च शिक्षा का विकास होगा। आप फाइनेंस के संबंध में जो भी कंट्रोल करना चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानते हैं जितने भी पैसा सरकार रिलीज करती है उसके अंत में लिखा रहता है कि इसका, इसकी जांच सीएजी के द्वारा की जाएगी। तो सीएजी के द्वारा की जाएगी तो वो उनका इंस्ट्रूमेंट ना है, या एजी बिहार के द्वारा की जाएगी तो आप कराइए, उसको कहां कोई रोकता है। देखिए हमने अभी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को भी कहा कि देखिए कोई भाई चांसलर गलत हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होती है वो होती है, पूरे देश की बात है, कोई ये यहां का बात नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुलपति का जो पद है वह जो है सर्वोच्च अभी एकेडमिक पोस्ट है, उसको अगर एज ए शिक्षा मंत्री आप सम्मान नहीं देंगे, शिक्षा विभाग सम्मान नहीं देगा, हम सम्मान नहीं देंगे तो समाज उसको सम्मान नहीं देगा, छात्रों में उसका सम्मान नहीं रहेगा। तो इसको बचाने का जो दायित्व तो है वो आपका है, और आप किसी अधिकारी को इतनी छूट नहीं दे सकते हैं कि एसीएस जो न खाता न बही, एसीएस जो कहे उत्साह ही। जितना देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं उनको भी चुनौती दे रहा हूं, उन्होंने अब तक एक्ट स्टैट्यूट के जिन जिन धाराओं का कोट करके वाइस चांसलर पर केस किया, उनका वेतन रोका, अभी उन्होंने सारे खातों पर रोक लगा के रखा है, या कहीं से भी न वो अधिकृत है और न एक्ट और स्टैट्यूट इसकी इजाजत उनको देता है। वो अपने अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की चीजें जो है गढ़ते हैं, नियम गढ़ते हैं, अपने से गढ़ते हैं। और देखिए जो बाई चांसलर पर जो उन्होंने केस किया, एफआईआर किया, तो सभी एसपी ने लिखा कि हम एकेडमिक में इशू जो है, कोई कहां गया नहीं गया, मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो उसमें हम एफआईआर कैसे दर्ज करेंगे, और किसी जिला में किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कहा कोई पूछने गया। अभी अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, जो फर्जी लेटर्स की बात कर रहे थे, तो ये तीसरी, ये जो आप बता रहे हैं ये तीसरी घटना है, दो फर्जी लेटर का मामला पहले ही हो चुका है और एक अभी अभी आया है मिड डे मील के बारे में। तो आप फर्जी जब डिक्लेयर करते हैं तो सारी जगह आप निरीक्षण करा रहे हैं, कौन टीचर आया, कितना स्टूडेंट आया, क्या हुआ, लेकिन इसका इसकी जांच आप नहीं करा रहे हैं कि किसने शिक्षा विभाग के नाम पर कौन है। और आनंद मिश्रा जी ने इसी पर सवाल खड़े किए हैं, देखिए सिर्फ तीन पत्र नहीं है, कई ऐसे पत्र हैं, पत्रों की पूरी फेहरिस्त है जो बाद में शिक्षा विभाग ने कहा कि ये फर्जी है, और आज भी मध्यान्ह भोजन को लेकर जो पत्र चल रहा है उस पर भी चर्चा चल रही है। आनंद मिश्रा जी, लगातार इस तरह के पत्र आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, मैं बार बार आपसे इस बात को लेकर सवाल पूछता हूं क्योंकि आप स्कूल में हैं, आप वहां पे काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चीजों को संचालित करते हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होता है इन चीजों को मैनेज करना? बिल्कुल कठिनाई भरा स्थिति पैदा हो जाती है, संशय की स्थिति पैदा होती है, पत्र दिन में कुछ निकलता है, शाम तक कुछ हो जाती है, रात में जाते जाते वो पत्र फर्जी हो जाता है, और
ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो काम करने वाले वहां पर किसी स्थिति में हो जाते हैं कि पहले वाले पत्र को हम फर्जी माने कि बाद वाले पत्र को फर्जी माने कि फिर उसके बाद तीसरा पत्र सही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन पैदा होती है तो ये पठन पाठन के साथ साथ पूरी सिस्टम को अपने आप में वहां पर स्थिति पैदा कर देती है। अब मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूं कि अभी सोमवार से जिसमें कालीन छुट्टी होने वाला है, बच्चे छुट्टी के इंतजार में हैं। एक पत्र पूर्व में आया है कि 8 बजे से 10 बजे तक बच्चों को 10 कक्षाएं चलाई जाएंगी, तो अगर उनको 8 से 10 बुलाते हैं। दूसरा पत्र आया कि एमडीएम दिया जाएगा, तीसरा पत्र आया कि नहीं एमडीएम नहीं दिया जाएगा, तो कक्षाएं चलेंगी कि नहीं, पूर्व जिसमें कालीन अवकाश हो अवकाश रहेगा कि नहीं, यानी 4 तरह का ये भेद बन चुका है। और 4 स्थिति में आज हम क्या नोटिस जारी करें बच्चों को, हम बच्चों को क्या सूचना देंगे कि कल संडे के बाद मंडे के दिन वो किस स्थिति में आएंगे, आना भी है कि नहीं आना है, इसके लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश विभाग के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया। तो किसको सही माना जाए, कह सकते हैं तकनीकी क्रांति के दौर से हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन ये जो पत्रबाजी जिस तरीके से चल रहा है, घंटे घंटे पत्र जारी विभाग से होना, हम लोग को जिस दिन पत्र नहीं विभाग से कोई जारी होता है तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज कोई पत्र नहीं जारी हुआ है, कहीं तबियत वबियत तो नहीं खराब हो गया है, तो ये स्थिति बन जाती है। हम लोगों को यही बात लग रही है, लेकिन अब तो है कि एक पत्र जारी हुआ तो दूसरा इंतजार हम लोग करते रहते हैं कि इसको खारिज होने का भी, फर्जी होने का भी पत्र जारी होगा, लेकिन फर्जी पत्र पे विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। ये सबसे बड़ा बात है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की मिलीभगत है, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो पत्र जारी करने में और शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने की स्थिति पैदा कर दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं इस तरह की पत्र जारी करने वाले लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो चाहे जो भी व्यक्ति काम कर रहा हो, उनसे कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उनको कठोर से कठोर धाराएं लगाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो दिग्भ्रमित करने की स्थिति पैदा हो गई है, वापो की स्थिति पैदा हो गई है, इससे बहुत लोग परेशान है। मुझे तो लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा करके कुछ अधिकारी लोग भी अपनी आर्थिक कमाई का जरिया बनाते होंगे, क्योंकि शिक्षक तो वापो की रहेंगे, कल छुट्टी रहेगा तो घर पे रह जाएंगे, अगर वो ड्यूटी करने नहीं आते हैं तो उनके लिए ऊपरी इनकम का रास्ता बनेगा। तो ये अधिकारी लोगों के द्वारा ही खेला नजर आता है। फर्जी पत्र मुझे लगता है कि सिर्फ शिक्षा विभाग को बदनाम करके मुखी शिक्षकों को प्रताड़ित करने की एक बड़ी साजिश नजर आती है। सबसे बड़ी बात है आनंद मिश्रा जी की, जब राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती मिल रही है, उनके अधिकारों पे सवाल खड़े कर रहे हैं और आप यहाँ पे शिक्षकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल के जब अधिकारों को चुनौती है तो उनके सामने शिक्षकों की क्या बिसात। अब ये देखना ये होगा कि राज्यपाल राजभवन की तरफ से ये जो पत्र जारी हुआ, जिस तरह से शैलेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे, कन्हैया बहादुर सिन्हा जी बोल रहे थे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, तो अब यह देखना होगा कि राज्यपाल और राजभवन इस पर कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल इस चर्चा में भाग लिए शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।